सर बहुत मालूम चूंकि है। कांवड़ मेले पर प्रतिबंध लगाया गया है, यूपी में भी प्रतिबंध है, उत्तराखंड में भी है। आने वाले जो कांवड़िए अगर जबरदस्ती आते हैं, या किस तरह की व्यवस्था रहेगी इसको रोकने के लिए कांवड़ियों को? देखिए, हमारा सभी वार्ड में हमने मैन करना शुरू कर दिया है। अभी जो मेजर स्टेट है, लगभग हरियाणा से जो है हमारा इसमें कांवड़ियाँ लगभग जो 30% आते हैं, और यूपी से 26% आते हैं, और जो सीमावर्ती हमारा राज्य है इनके साथ हमारा आईजी महोदय का अध्यक्षता में जो है परसों एक मीटिंग भी हमने करा दी। उसमें सभी राज्य ने जो है यूपी, हरियाणा, हिमाचल, सभी ने अपना सहयोग प्रदान करके लिए हमें आश्वासित किया है। अभी हमारा बॉर्डर से आज से जो है हमने PSC तैनाती शुरू कर दिया है, और बॉर्डर में चेकिंग जो है काफ़ी तरह से जो है मजबूत भी कर लिया गया है। और दूसरा, यदि कोई कांवड़िया ऐसा आते हैं बॉर्डर से, उनके वापस किया जाएगा। यदि किसी अन्य रूप में आके यहाँ कांवड़े का वेश पहने जाएंगे तो फिर उनका क्वारंटाइन का भी प्रावधान है, उनका विधिवत कार्रवाई भी हम करेंगे। और इसका अतिरिक्त जो है हमने DM साहब से अनुरोध करके जो है रेलवे स्टेशन, बस अड्डे में शटल बसेस के लिए भी प्रावधान कर रखा, ताकि जो है इनका जल्दी से जल्दी जो है हम जो है सम्मान तरीके से जो है इनको हमारा बॉर्डर पार करके इनको पास कर सकते सर हैं। कितना फोर्स तैनात कर रहे हैं इसको लेकर, इनको रोका जा सके कांवड़ियों को, क्योंकि कांवड़िए बड़ी संख्या में आने की स्थिति रहती है? अभी तक जो है हम बॉर्डर में जो है केवल नासना और हमारा भवानपुर बॉर्डर में 2 कंपनी PSA हमने तैनात कर दिया 24 घंटे के लिए। अभी और फोर्स आज शाम तक हमें मिल जाएगा, उसको आते हुए जो है और बॉर्डर को जो है हमारे द्वारा मजबूत किया सर मिला के पीक टाइम में क्या हर की पैड़ी को भी सीज किया जा सकता है? सी हर की पैड़ी में भी जो है हम जो है उसको सेंटर प्रतिबंधित एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रखेंगे, क्योंकि हमने ये पूरा अभी हमारा शहरा और देहात क्षेत्र को 4 सुपर जोन में हमने बांटा है। उसमें 2 एडिशनल SP जो है बाहर से भी हमें मिले हैं, इसके अतिरिक्त 17 सेक्टर में हमने बांटे हैं, तो उसमें भी हम गेस्ट ऑफिसर का तैनाती कर रहे हैं। उसमें हर की पड़ी भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, उसके लिए हम गेस्ट ऑफिसर तैनात कर रहे हैं। तो लगातार जो है उसमें भी जो श्रद्धालुओं का मूवमेंट है उसको हम जो है मॉनिटर करते रहेंगे, और विधिवत कार्रवाई भी करेंगे जो भी कोविड नियम का उल्लंघन करता है तो, और उसका अतिरिक्त हरकी पड़ी का एंट्री रेस्ट्रिक्टेड करके कोविड नियम का शत प्रतिशत पालन करने के लिए पूरी कार्रवाई सर करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो भेष बदल के आते हैं आगे? देखिए, उस टाइप का आएंगे तो उनको विरुद्ध जो नियम है कि कांवड़ मेला प्रतिबंधित है, हम सभी श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि अपना घर का जो आसपास के गंगा जी का जल लेकर जो है शिव जी का छड़कर जो पुण्य कमाने के लिए हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं। यदि उसका पार करते भी कोई लोग आ गए तो उनको ऊपर विधिवत कार्रवाई होगा, क्वारंटाइन का भी प्रावधान है। इसका अतिरिक्त जो है अभी हमारा जिला प्रशासन, हमारा सरकार द्वारा जो है टैंकर भेजने का भी वार्ता चल रही है। यदि ये होने के बाद जो है हम जो हमारा जो सीमावर्ती जनपद वगैरह को भी टैंकर के माध्यम से गंगा जल भेजेंगे, हमारा सीमाओं भी जो है हमने गंगा जल का टैंकर खड़ी करेंगे, ताकि जो जो भी आते हैं सीमा से उनका गंगा जल प्राप्त कर वापस जा सकते हैं।